जो देश में तानाशाही चल रहा है इस तानाशाही को खत्म करें। आज भाजपा के लोग सभी प्रत्याशी कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। किसी माइकल लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान को खत्म कर दे। जो देश में तानाशाही चल रहा है इस तानाशाही को खत्म करें। आज भाजपा के लोग सभी प्रत्याशी कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। किसी माइकल लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान को खत्म कर दे। देश की जनता सहेगी नहीं जो अगर सोचते हैं संविधान को खत्म कर दे, जनता उनको खत्म कर देगी। बार 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 भाजपा के लोग बोल रहे हैं संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, कोनो एरो गेरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। इसलिए देश का अगर सबसे पवित्र किताब है कोई तो हमारा देश का संविधान। इसलिए हम आप सब लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों से अपील कर दे कि एक एक वोट जो है आप लोग जो है CPI हसुआ गेहूँ छाप को आप लोग दे करके विजयी बनाने का काम कीजिए। आज अवधेश जी गए हैं नामांकन के लिए, इन लोगों का कोई काम है? यहाँ के जो सांसद हैं खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, कभी एक दो बार मुंह से सुने हैं रोजी रोजगार नौकरी किसान मजदूर पलायन निवेश कारखाना शिक्षा चिकित्सा? क्या देश बनाना चाहते हैं? नफरत पैदा करके वोट पाना चाहते हैं? आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है, हमें पता है। अगर उपलब्धि नहीं है तो कम से कम समाज में जहर बोने का काम मत कीजिए, आपस में भाइयों को लड़वाने का काम मत कीजिए। हम लोग सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। सभी न्याय प्रिय जनता, चाहे अगड़े हो पिछड़े हो अति पिछड़े हो, दलित पा दलित आदिवासी भाई अल्पसंख्यक भाई, सभी लोगों का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं। आप देखिए सब लोग लगा हुआ है, यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री और सब दल के नेता उनके घूम रहे हैं। अकेले तेजस्वी है जो इन लोगों को मजा चखाने का काम कर रहा है। हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। हम लोग कलम बांट रहे हैं, वो लोग तलवार बांटने का काम कर रहा है। तो ज्यादा कुछ ना कह करके आप लोग बेरोजगारी से लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? आप लोग महंगाई से लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? गरीबी हटाना है कि नहीं हटाना? बिहार को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? तो ये सारा मिलके हम लोग ताकत दीजिए और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, आपके जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। यदि मोदी जी का इतना मजबूत गारंटी है तो हमारे चाचा का गारंटी लेकर के दिखाते पहले। अरे मोदी जी का गारंटी चाइनीज माल वाला गारंटी है। जब तक
चुनाव है तब तक ही गारंटी है, और उनका गारंटी टिकने वाला नहीं है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। आप सब लोगों को एकजुट होकर के देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। हम लोग काम कर रहे थे, अगर चाचा जी नहीं पढ़ते होते तो अब तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया था, लेकिन तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक हो गया है।